हेलो दोस्तों, कैमोन आशो, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हो आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज भी आपके लिए एक छोटा सा ब्लॉग लेके आ गई हूँ, जो है हंग्री स्पून के फूड रिव्यू के ऊपर। मुझे बाज़ार में थोड़ा काम था तो हम थोड़ा लेट हो गए, तो मैंने सोचा खाना खा के घर चलते हैं। तो फटाफट से मैं इस होटल का रिव्यू कर देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा ये छोटा सा वीडियो। तो जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो, ये वेटिंग एरिया है। जब भी आपको रेस्टोरेंट फुल मिलेगा तो आप इधर बैठ के वेट कर सकते हो अपनी टर्न आने तक। बाहर से इन्होंने लोगों ने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है, मैं तो क्या ही बोलूँ, इतने अच्छे अच्छे एक्वेरियम लग रखे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको ले चलती हूँ इस होटल के अंदर। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। कैमोन आशो, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज मैं आपको लेके आ गई हूँ हंग्री स्पून में। तो मतलब कि हमें कोई पक्का नहीं था कि हमें हंग्री स्पून में आना ही है। जावेद का बर्थडे आ रहा है तो हम थोड़ा सा शॉपिंग करने निकले थे, केक वगैरह का ऑर्डर देना था, तो बहुत लेट हो गया। आप देख सकते हो बाहर बहुत डार्क हो गया है, तो मैंने सोचा चलो खाना खा के ही चलते हैं, मैं और जावेद ही आए हैं दोनों। तो मैंने सोचा छोटा सा ब्लॉग बना के आप लोगों को बता देती हूँ कि ये कैसा होटल है, रेस्टोरेंट है हंग्री स्पून, अच्छा होटल है, और इसके फूड का भी रिव्यू आपको दे देती हूँ। तब तक आप लोग देख लीजिएगा इस होटल के पूरे व्यू देख लीजिएगा, मैंने थोड़ा सा वीडियो भी शूट किया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, अच्छा ये एटमोसफियर है अंदर। ज़्यादा लोगों के बैठने के लिए जगह नहीं है, पर जितना भी है बहुत अच्छे से वेल डेकोरेटेड किया हुआ है। आप विंडो साइड की भी सीट ले सकते हैं, जहाँ से आपको बहुत अच्छा व्यू दिख जाता है बाहर का। SBF सिनेमा है, गोल्पो है, इसके बिल्कुल अपोजिट ही आपको हंग्री स्पून देखने को मिल जाएगा। ये कपल्स चेयर इधर रख के रखी हैं विंडो साइड में, आप इधर बैठ के भी बाहर का व्यू देखते देखते अपना मील इंजॉय कर सकते हैं। तो जब तक मैं खाना ऑर्डर कर रही हूँ, आप लोग इसका होटल का मेन्यू कार्ड देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कॉस्ट वगैरह क्या है यहाँ पे खाने की। तो फाइनली दोस्तों हमारा खाना आ गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हमने ऑर्डर किया है नान, चिकन बिरयानी और दाल, और मैंने पनीर भी ऑर्डर किया था। पनीर का उन्होंने बोला थोड़ा अभी बनने में टाइम लगेगा, इसलिए पहले जावेद आपको बिरयानी खा के उसका रिव्यू दे देता है। जावेद अभी आपको चिकन बिरयानी का रिव्यू दे देता है कि कैसा टेस्ट है। ओरिजिनली बोलना जावेद, अच्छे से मीठा डाल दिया ताजू बिरयानी में, इट इजंट एक्सपेक्टेड ताजू बिरयानी। तो जावेद बोल रहा कि बिरयानी थोड़ा मीठा है, चीनी है इसमें, पर मैंने नान खाया है, गार्लिक नान दाल के साथ, जो कि अच्छा ही है। अभी तक पनीर आया नहीं है, पनीर खा के भी आपको उसका टेस्ट भी बता देती हूँ कि कैसा है। तो देखिए पनीर भी आ गया है। तो अभी जावेद ने क्या ऑर्डर किया है, चिकन टिक्का मसाला ऑर्डर किया है, वो नान के साथ खाएगा, तो अच्छा ही आप लोगों को और भी अच्छा रिव्यू मिल जाएगा।
तो पनीर की बात करूँ, पनीर में थोड़ा सा मीठा मीठा है। ठीक है, अभी जावेद का चिकन टिक्का मसाला आ गया है, वो खा के आपको दिखा देता है कि वो उसका फ्लेवर कैसा है। हम लोगों ने अभी खाना खा लिया है, बाकी आपको अच्छा वाला रिव्यू घर जाके बताती हूँ, क्योंकि इधर थोड़ा शोर हो रहा है, वॉइस अच्छे से नहीं आ रहा, तो मैं और जावेद घर जाके आपको अच्छे से बता देंगे। हमने अच्छे से खाना खा लिया, आप लोग देख सकते हो हमारी प्लेट बिल्कुल साफ़ हो गई है, और जो हमारा बाकी खाना बच गया था, क्योंकि हम दो लोग थे इतना नहीं खा पाए, तो हमने पैक करा लिया। अभी हम लोग वापस आ गए हैं खाना खा के, तो मैंने सोचा फटाफट आपको रिव्यू बोल देती, नहीं तो मैं भूल जाती हूँ कि वीडियो कंप्लीट करना था। तो अगर मैं बात करती हूँ पनीर की, नान की और दाल की, वो तो अच्छे ही थे, पर पनीर में मैंने पनीर दो प्याज़ा ऑर्डर किया था, पर थोड़ा सा मीठा था, ठीक है, चीनी था, बट इट्स ओके, ज़्यादा मिर्ची वगैरह नहीं था। मैं जैसे पंजाब से हूँ, मुझे मिर्ची वाला खाना खट्टा थोड़ा अच्छा लगता है, पर ये थोड़ा मीठा था। पर जो लोगों को ऐसा खाना, चीनी वाला खाना अच्छा लगता है, तो वो लोग डेफिनेटली इस होटल में जा सकते हैं। तो बाकी रहा नॉन वेज का रिव्यू, वो आपको जावेद दे देता है कि नॉन वेज खाना कैसा था। तो पहले मैं आपको बोल देती हूँ कि जावेद ने क्या ऑर्डर किया था। जैसे कि आप लोगों ने देखा, जावेद ने सबसे पहले चिकन बिरयानी ऑर्डर किया था, तो उसके बाद जावेद ने चिकन टिक्का मसाला ऑर्डर किया था गार्लिक नान के साथ। तो जावेद अपना एक्सपीरियंस बता सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, जावेद नॉन वेजिटेरियन है, हम दोनों आपको दोनों तरह के फूड की ट्राई करके रिव्यू दे सकते हैं। बताओ जावेद। अकॉर्डिंग टू देयर नॉन वेज, मुझे ये बिरयानी थोड़ा मीठा लगा, एंड देन मैंने लिया था चिकन टिक्का मसाला। चिकन टिक्का मसाला भी ओके था, मतलब उतना भी अच्छा नहीं था। खाना ठीक था, मतलब खाने लायक था, उतना बुरा नहीं था, बट हटके भी नहीं था। इट्स मतलब क्वाइट सिंपल और क्वाइट ओके रिपोर्ट। तो बिरयानी में जावेद बोल रहा है कि उन्होंने काजू और किशमिश भी दिया था। जावेद काजू दिया था और एक कलरफुल कुछ दिया था। तो बिरयानी में, अगर आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं ये वीडियो बनाने वाली नहीं थी, पर मैं जावेद की थोड़ा बर्थडे के लिए शॉपिंग करने गई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बाहर खाना खाएं, तो आपके लिए भी एक रिव्यू हो जाएगा, इसीलिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।